कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गुजरात में सोमवार से स्कूल और कॉलेज खुलने वाले थे, जिसको फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। गुजरात की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। गुजरात में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के लिए गुजरात सरकार ने बड़ी राहत दी है। गुजरात में जब तक स्कूल शुरू नहीं हो जाते तब तक कोई भी स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं ले सकेंगे। सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, अगर कोई स्कूल इस आदेश को नहीं मानेगा तो जिला शिक्षा अधिकारी उस स्कूल के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। कोरोना की वजह से देश भर में फिलहाल स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस जरूर हो रही हैं, लेकिन ऐसे में गुजरात सरकार ने यह फैसला किया है कि जब तक बच्चों के स्कूल शुरू नहीं होते हैं तब तक कोई भी स्कूल फीस नहीं वसूल सकेगा, और अगर ऐसा वो करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सरकार की तरफ से साफ आदेश जारी किया है।